आप सुन रहे हैं मुथूट ब्लू धुन बदल के तो देखो विद विद्या बालन सिर्फ बिग एफएम पर प्रेजेंटेड बाय मुथूट फिनकॉर्प जब जिंदगी बदलनी हो। मैं विद्या बालन और आप सुन रहे हैं कहानी मुथूट ब्लू सोच वाले हीरोज की। क्या है ये ब्लू सोच? कठिन परिस्थितियों में खुद के आत्मविश्वास, लगन, समझदारी और परिश्रम के दम पर जो लोग अपने कल को सुनहरा बनाते हैं, मुथूट फिनकॉर्प उन्हें ब्लू सोच वाले कहते हैं। मैं विद्या बालन और मुथूट फिनकॉर्प आपके इस ब्लू सोच को सलाम करते हैं और अब सुनते हैं आज के हमारे ब्लू सोच हीरो की इंटरेस्टिंग कहानी उन्हीं की जुबानी। एक वक्त था औरतों को स्कूल टीचर्स, डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशंस में ही देखा जाता था या ज्यादा से ज्यादा कोई डेस्क जॉब कर ली, तब करियर पार्ट टाइम ड्यूटी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि फाइनेंशियली घर चलाना औरतों का काम नहीं है। ऑफ कोर्स वी नो कि आज वक्त बदल चुका है, लेकिन क्या एटीट्यूड बदला है? शायद कॉर्पोरेट सेक्टर और मैनेजमेंट जॉब्स में कोशिश की जा रही है इस नए एटीट्यूड को अपनाने की, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप यानी ब्लू कॉलर जॉब्स का क्या? वो औरतें जो मजदूरी का काम करती है और आज भी इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। टू थ्रो लाइट ऑन दिस साइड ऑफ द वर्किंग सेक्टर, मेरे साथ शो पर आज जुड़ेंगी फ्लाविया एग्नेस, जो वुमेन्स राइट्स लॉयर हैं एंड हु इज अ को फाउंडर ऑफ द एनजीओ मजलिस। ओवर द डेकेड्स फ्लाविया और उनकी टीम ने औरतों से जुड़े कई मुद्दों पर आवाज उठाई है, वन ऑफ देम बीइंग इक्वल पे। हाय मैम, ये पे पैरिटी जो है कब से चली आ रही है और इस पे कितना काम हुआ अब तक? अभी भी बहुत सारे इनइक्वालिटी है। डिस्क्रिप्शन ऐसा है, सेम वर्क फॉर सेम वेजेस इज नॉट बीइंग फॉलोड एंड देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन द वर्क एंड यू से दैट मेंस वर्क इज डिफरेंट एंड वुमेन्स वर्क इज डिफरेंट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में औरतों ने लड़े हैं। एक तो केसेस ऐसा था, स्टेनोग्राफर का केस है, वेयर पीए प्राइवेट असिस्टेंट्स वेयर पेड मेन हु इज टू बी असिस्टिंग सीनियर बॉसेस डूइंग द सेम स्टेनोग्राफी वर्क वेयर पेड मच हायर सैलरी एंड स्टेनोग्राफर्स इन अ पूल वुड बी कॉल्ड टू टेक डिक्टेशन वेयर पेड लोअर सैलरी दो देयर वर्क वॉज एग्जैक्टली द सेम। Then Supreme Court said same wages for same work but also for similar work. But unfortunately even in government it is not followed and private companies of course do not follow this. आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर अब तक क्या किया है? नहीं, हमारा जो बहुत सारे जो इश्यूज वीमेन का है उसके ऊपर हम कैंपेन करते हैं, तो इस इश्यू पर भी हम लोग ने एक वीडियो बनाया अवेयरनेस के लिए और वो हम लीगल अवेयरनेस का क्लासेस हम लेते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंड देन वीमेन कम विद lot of complaints particularly in the unorganized sector, they're not paid in the same way as men and they say that women are not doing the same work or not capable of doing the amount of work that men put in. Now all these complaints are come and when we do our courses we tell them what is their remedy, where they have to go, how they have to file their complaints, and this has been one of the biggest thing that we have done in lot of our legal awareness courses. Is disparity ka, is pay parity ka, is फर्क का मेन रीजन क्या है? देर इज टू और थ्री काइंड ऑफ इश्यूज हियर। वन इज इट इज बिलीव दैट वुमेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ देम टू डू एज मच हार्ड वर्क एज मैन, बट इफ यू सी इन द कंस्ट्रक्शन साइट व्हेन द ब्रिक्स आर लेड एंड द प्लास्टरिंग इज मेड दैट इज डन बाय मैन, बट दोज हू कैरी द ब्रिक्स आर वुमेन। So this difference used to operate at every level. For instance, doctors and nurses, pilot and air hostesses, at every level. But now at a particular class the women have transcended. Now we can have a woman pilot, you can have a woman surgeon, you can have a woman senior counsel, not many but at least they are there. But it's not transcended at the lower level that a woman takes the plow and plows a field. So there is a cultural barrier here. It's not just a physical strength, it's a cultural barrier that women should not be touching this the weapons for the skilled job. क्या आप रिम्यूनरेशन एक्ट के बारे में जानते हैं? नहीं ना, आइए पूछते हैं फ्लाविया से। Ma'am, what really is the Remuneration Act all about? ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है और जो हमारा कंट्री में जो आया है काफी फॉरेन कंट्रीज में वो अभी तक नहीं आया। फॉर इंस्टेंस इन द यूएसए वी डू नॉट हैव इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एंड सो मेनी टाइम्स दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस इट एंड एवरी टाइम इट इज बीन डिफीटेड। सो वी आर इन अ वेरी लकी दैट एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इज देयर दैट वुमेन एंड मेन शुड बी गिवन द सेम सैलरी। नाउ सेम इश्यू केम ऑल्सो फॉर नरगेश मिर्जा केस वेयर मेल स्टूअर्ट्स वेयर पेड डिफरेंट सैलरी
and the work conditions were very different than the women air hostesses. They were called air hostesses and they were called flight stewards. So there was a difference both in service conditions. Like air hostess would have to give her resignation when she got married, because after marriage she was deemed to be not attractive enough, or at least after her first child she had to leave and opt for ground work, not fly. इसमें ऊपर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसके द्वारा अभी ये डिफरेंशिएशन कम हो गया. कम्प्लीटली वो डिफरेंसेस मैनेज नहीं हुआ, वो है लेकिन बहुत कम हो गया है. तो क्या रीजन है कि ये केसेस सामने नहीं आते? एक्चुअली हमारे पास ऐसे केसेस ज्यादा नहीं आते, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस केसेस वगैरह केसेस हमारे पास आते हैं. और एट द मोस्ट वी गेट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं. लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये केसेस हमारे पास नहीं आते, क्योंकि मेनली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और औरत जानते नहीं कि ये हो गया तो किधर जाने का और क्या करने का. द इशू इज दैट वन इज वुमेन इलिटरेसी, सेकेंडली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इफ दे फॉलो अ केस दे विल लूज योर जॉब, दे विल नॉट गेट सैलरी, and the distances where the labor office is situated and the women's work is situated. So these kind of barriers are there, but being in the unorganized sector they are very seldom addressed. Ma'am, maine ek baat observe ki hai ki chahe koi CEO ho ya world leader, aap unke naam ke aage hamesha miss ya mrs lagate hain. Ye meri samajh mein nahi aata. So does that mean that हमारी पहली आइडेंटिटी ये है कि हम शादीशुदा हैं या नहीं, हम माँ हैं कि नहीं? ये सब अक्रॉस ऑल वर्क कल्चर्स ये है, और हमारे देश में ही नहीं लेकिन बाहर गांव में भी है. यही प्रॉब्लम है कि होम मेकर, की बच्चों को देखना, घर का काम संभालना, वो उसका ही रोल है. एंड आई नो लॉट ऑफ क्वालिफाइड वुमेन, डोमेस्टिक मेड ने काम छोड़ दिया तो उसको भी काम छोड़ना पड़ता है, एंड दैट इज अ ह्यूज लॉस फॉर आवर इकोनॉमी, बिकॉज प्रोफेशनल वुमेन आर सिटिंग एट होम बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. सो दे हैव टू मेक अ चॉइस कि अभी शादी करने का है कि अभी बच्चा पैदा करना है कि अपना कोर्स करो, अपना प्रोफेशन में फॉलो करो. बट अ मैन इज नेवर लुक्ड एट लाइक दैट, कि वो तो मैन का कल्चरल नॉर्म है कि अपना करियर वो बनाओ, अपना प्रोफेशनल वो ठीक से संभालो. ये नॉर्म हो जाते हैं हमारे देश में. थैंक यू वेरी मच मैम. आपकी लीगल सेंटर सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए जो काम कर रही है वो सराहनीय है. ऑल द बेस्ट. लॉज खुद चल के आपके पास नहीं आ सकते. अगर आपको लगता है कि एक जैसे काम के लिए आपके मेल काउंटर पार्ट को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं तो प्लीज आवाज उठाइए. जब लॉ हमारे साथ है तो डर किस बात का? आपकी मेहनत के लिए आपको उसका डिजर्व्ड अमाउंट मिलना आपका हक है, इसे मत भूलिए. आई होप फ्लाविया जी की बात सुनकर आप कई चीजों से अवेयर हुए होंगे. आई होप कि आपकी सोच की धुन जरा तो बदली होगी, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया है कि इस पर मैं धुन बदल कर रहूंगी. सुनते रहिए बिग एफएम. तो ये थी इनकी ब्लू सोच. आप भी अपनी ब्लू सोच को जगाइए और अपने आने वाले कल को बेहतरीन बनाइए. आपकी ये ब्लू सोच आपके सपने साकार करेगी. मैं विद्या बालन और मुथूट फिनकॉर्प आपके इस ब्लू सोच को सलाम करते हैं. अगली बार मैं विद्या बालन फिर आऊंगी एक नए ब्लू सोच हीरो की कहानी लेकर, सिर्फ बिग एफएम पर. धुन बदल के तो देखो. बिंदास से खौफ से फिक्र, धुन बदलने आए हैं, धुन बदल के जाएंगे. आंख पे बांधी ये पट्टी, उतार कर दे प्लेग, 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 प्लेग. सिर्फ बिग एफएम पर. बिग एफएम पर प्रेजेंटेड बाय मुथूट फिनकॉर्प. जब जिंदगी बदलनी हो